आपके सामने एक द हीरो एक हीरोइन, तो अब एक खलनायक भी जरूरी है, और खलनायक उसको उस खलनायक को बुला रहा हूं जो अब खलनायक भी है, चरित्र नायक भी है, और काम के मामले में कई अच्छे अच्छे नायकों से बढ़ के, तो वो है, वो भी हाल फिलहाल ही आया है लेकिन काफी मशहूर हो चुका है और उसकी काफी तारीफ होती है और होती रहती है, तो वो है अनुपम खेर। अनुपम खेर भी आपके सामने आएंगे, और वो भी वैसे आज मालूम है लोग सारा नर्वस क्यों, हमने कहा देखो अच्छे पुण्य, ये अनुपम खेर। आपका बिहार एसोसिएशन की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा नाइट में बहुत बहुत स्वागत है, लोग आपको बहुत चाहते हैं, इस बात का सबूत इस बात से है कि लोग जबरदस्त ताली बजा रहे हैं आपके लिए। अब ताली ताली रहे गाली में न बदले, इसके लिए आपको कुछ करना होगा और ना कर सके तो कुछ कहना होगा, तो कहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं पसीना पहुंच लू पहले थोड़ा सा। दोस्तों, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था और अंग्रेजी गानों का बड़ा शौक था, लेकिन अंग्रेजी गाने याद नहीं होते थे और समझ में नहीं आते थे, और फिर मुझे लगा कि अंग्रेजी गानों में ज्यादा कुछ करने की प्रॉब्लम होती नहीं है, एक आधा वर्ड जो है वो समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा जो रिहर्सल करता था उसका एक नमूना देता हूं। 1 2 3 4 Why is it impossible? Baby, I love you. Where the fuck you don't get up, fuck it up, but no, baby, I love you. Wow. एक और आराम रहता था। गाने बहुत ज्यादा अच्छे आते नहीं थे, तो आवाज थोड़ी सी आवाज चेंज करके कुछ गाने वगैरह गाता था। तो किशोर कुमार साहब का एक गाना है, एक लड़की भीगी भागी सी, एक लड़की भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। ये जाने का पासपोर्ट आपका, और गाने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जबरदस्त आपने टैलेंट दिखाया। अब अगली बार आपकी मुसीबत है, आप जहां जाएंगे बच नहीं पाएंगे, ये पब्लिक सबसे बात फैला देगी। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा आई लव यू, जो इशारा कर, अच्छा समझ गया मैं, तो ये अब देख भाई, अच्छे से प्लानिंग की है हम लोगों ने काफी दिन बैठ के, इसको पंक्चुएट किया है कैसे कैसे कौन आदमी किस आइटम के बाद आएगा, ये देख के लगता है कि कोई मेहनत नहीं, बिल्कुल आराम से हो रहा है, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स टन्स ऑफ एफर्ट्स टू मेक इट लुक एफर्टलेस, तो ये एफर्टलेस लग रहा है, इसके पीछे बहुत एफर्ट किया है हम लोगों ने। अब देखिए हीरो, हीरो के बाद हमने कहा था कि इसे हीरोइन, हीरोइन के बाद चरित्र नायक, खलनायक, और अब गाना भी हो चुका है। इसके पहले बहुत देर से एक चीज जो आपने नहीं देखी है वो है क्या,
डांस, डांस नहीं देखी आपने तो अभी एक हमारी नई तारिका है, वो भी कई फिल्मों में काम कर रही हैं, वो आपके सामने, उनको अभी तैयार किया गया है और आपके सामने, बहुत अच्छा डांस करती हैं वो, कई फिल्मों में काम कर रही हैं जिसमें एक मेरी फिल्म में ही काम कर रही हैं धर्म युद्ध, जिसमें वैसे मेरे ऑपोजिट लड़की तो किमी काटकर है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभाग्यवश दुर्भाग्यवश जो लड़की आपके सामने डांस करेगी उस फिल्म में मेरी बहन का रोल कर रही है। हालांकि मैं बता दूं मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है उसके लिए, मैं उसको बहन छोड़ के हर कुछ समझता हूं, लेकिन फिर भी तो ऐसा ये आप मत लीजिए मैं सीरियसली इस बात को कह रहा हूं, नहीं है राखी के त्यौहार से मुझे इस मामले में प्यार नहीं है। तो अभी आपके सामने लड़की आएगी, उसका नाम है सानिया और वो आपको एक अच्छा सा मत भरी क्या होता है, जोश से भरपूर एक नृत्य दिखाएंगे आपको। लेकिन उसके पहले कल्याण जी भाई सानिया बहन से बातचीत करेंगे। अच्छा बात अब तो आइए आप सानिया, आप आइए मिलिए इन लोगों से। इत्तेफाक की बात है कि मेरी भी इनसे आज पहली ही मुलाकात है और यही मुलाकात हो रही है। सानिया आप चंद शब्द कहें इनसे। भाई और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, और शत्रु जी ने जो मुझे इतनी इज्जत दी है उसके लिए मैं काफी उनकी आभारी हूं और आप सबकी भी, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद नृत्य के बाद बदमाश का आना बहुत जरूरी है, यानी होता तो ये है कि नृत्य के बीच में बदमाश आता है और लड़की को उठा के ले जाता है, बट यहां पे चूंकि बदमाश फिल्म इंडस्ट्री के बाग के साथ इस वक्त बिजी था, धर्म जी के साथ बैठा बातचीत कर रहा था, इसलिए अब आपके सामने वो जो मेरा ख्याल है गेटअप का और भेस बनाने का हिंदुस्तान के फिल्म विलनी में तमाम रिकॉर्ड अगर अभी तक नहीं तोड़ चुका है तो तोड़ देगा बहुत जल्द, और हमारे से बहुत ही करीब है और आप लोगों को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, वो है कमीना सिंह, मेरा मतलब है वो है कलाकार गुलशन ग्रोवर। तो गुलशन ग्रोवर अभी आपके सामने आ रहे हैं, ये देखिए भारत के कल के नेता की पोशाक पहन के आ रहे हैं, अगर ऐसे नेता होने लगे तो देखिए देश का फिर क्या होगा। ये देखिए कमीना सिंह, मेरा मतलब है गुलशन ग्रोवर। तो अभी आप इनसे बात करें और इन्हें खुश करें, और अगर आपने दुख दिया इन्हें, तकलीफ दी, तो सोच लो अंजाम क्या होगा बदमाश। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं अच्छी तरह से कि मेरे सफेद कपड़ों की तरह मैं फिल्मों में बड़े ही सफेद और अच्छे काम करता हूं, ये तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र है खामखा की बातें फैलाई जा रही हैं कि मैं बदमाश। आप देख रहे हैं मैं कितना शरीफ लग रहा हूं ना, हाँ बोलो नहीं तो बाहर देख लूंगा सबको। तो दोस्तों, अरे भाई बाद में बांटना, मुंगीलाल हम बात कर रहे हैं बाद में बांटना। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके, मेरे अच्छे काम जो कि पर्दे पे आजकल मैं ही करता हूं, जैसे कि राजाती औरतों को छेड़ना, ये सब गड़बड़ करना, वो आप देखते ही हैं। मैं आपको एक फिल्म का डायलॉग सुना देता हूं। गन्ना चूस के तू मुझसे मेरी सोहनी को छीन लेना चाहता था, अब कैसे छीनेगा तू, बोल अब कैसे छीनेगा तू, सोहनी मेरी है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जानता है गांव भर के जानवरों को किसने जहर दिया, मैंने। तू सोच रहा होगा कि मेरा पागल हो गया है, सोनी की शादी तो जबरू से होने वाली है, वो मुझे कैसे मिलेगी, सोनी मुझे मिलेगी, मैं सोनी का दूल्हा बनूंगा, गन्ना चूस के बनूंगा। थैंक यू। बाकी तू जा रहा है पक्का, फूल पकड़ो निकल जाओ। अच्छा थैंक यू।